लोकसभा में आज भी मोदी सरकार के आम बजट पर चर्चा की गई, जहां कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसदों के सवालों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की पीठ भी थपथपाई, साथ ही कांग्रेस पार्टी पर जमकर वार किया। वहीं अपने जवाब में सीतारमण कुछ ऐसा भी बोल गई जिसे लेकर हंगामा हो गया। तो आज सदन में क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं। लोकसभा में आज भी कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के बजट पर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद मोहम्मद सादिक ने कहा कि सरकार का बजट लोक लुभावन है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी सरकार ने नौकरी से लेकर 15-15 लाख देने और विदेशों से काला धन लाने की बात कही थी, लेकिन ये पूरा नहीं हो सका और इस बार भी वही वादे किए गए हैं। मोहम्मद सादिक से पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी सरकार को घेरा था। कांग्रेस और अन्य दलों के सवालों पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के लिए इस बार सरकार ने 82,845 करोड़ रुपए ज्यादा दिए हैं, जिससे कृषि, सोशल सेक्टर, स्वास्थ्य, एजुकेशन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के कुल व्यय में 3.44 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि हमने आधारभूत ढांचे को मजबूती देने के लिए काम किया है। इस क्षेत्र में हम 100 लाख करोड़ रुपए निवेश करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू उद्योगों को मजबूती देकर रोजगार बढ़ाया जा रहा है और घरेलू निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास सरकार का प्रमुख एजेंडा है, साथ में हम किसानों के लिए पीएम किसान योजना लेकर आए हैं। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस के सांसदों ने वित्त मंत्री के संबोधन के दौरान सदन में उनके बयान पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने खुद को टीचर कहा था और उसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। हालांकि स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद हंगामा शांत हुआ। वहीं इस दौरान उन्होंने मनरेगा को लेकर कांग्रेस पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि जब यूपीए मनरेगा योजना लाई थी, तब सीएजी ने भी उसकी आलोचना की थी कि यूपीए ने गलत नीतियों और गलत आंकड़ों का सहारा लिया था, लेकिन हमारी सरकार ने सब ठीक कर दिया और आज हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। हमें यकीन है कि हम अपना लक्ष्य जरूर हासिल कर लेंगे। वहीं लोकसभा के बाद अब कल से राज्यसभा में बजट पर चर्चा होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।